नमः शिवाय। मैं हूं अनिमा और आज आप सबके सामने आ चुकी हूं कन्या राशि या कन्या लग्न के लिए लेकर के। आज हम जानते हैं कि कन्या राशि एंड कन्या लग्न के जातक के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कन्या राशि के जो लॉर्ड होते हैं वह बुध देव होते हैं। बुध देव के लिए जो रुद्राक्ष बताया गया है वह बताया गया है चार मुखी रुद्राक्ष बताया गया है जो बुध देव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार मुखी रुद्राक्ष हमें कन्या राशि या कन्या लग्न के जातकों को पहनना चाहिए। एंड आप देखेंगे कि कन्या राशि में जो मोस्टली रुद्राक्ष है उसमें आपके बुध किस स्थिति में किस घर पे किस कारक भाव पे या कहाँ पास बैठे हुए हैं, जिस स्थान पे बैठे हुए हैं और उसके जो लॉर्ड हैं उसके लॉर्ड, मतलब कि सपोज दैट हमारा जो बुध बैठा हुआ है वह वहाँ 12 लिखा हुआ है और वो बुध देव, तो 12 है मतलब मीन राशि हो गई। तो मीन राशि जो है तो उसके हेड होते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष होता है, तो आपको 10 मुखी गणेश रुद्राक्ष धारण करना है। उसी तरह से जो कन्या राशि हैं उसके जो लॉर्ड हैं वो बुध देव हैं, तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में बुध देव की स्थिति कहाँ है और वो कहाँ विराजमान है और उसके हेड कौन है, तो आपको उसी से रिलेटेड रुद्राक्ष पहनना चाहिए। नॉर्मली आपको 4 मुखी रुद्राक्ष या 4 मुखी गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वह आपके लाइफ में आ रही समस्याओं को बहुत जल्दी ठीक करेंगे। उनकी आप पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनके बीज मंत्र करें। तो बुध से रिलेटेड रुद्राक्ष कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को धारण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।